एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबको देना चाहता हूँ। 12th वाले बच्चे जिनके एग्जाम्स हैं और स्टेट बोर्ड वाले सभी बच्चे, चाहे वो यूपी के हो, एमपी के हो, कहीं के भी हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं सारे स्टेट्स डिपेंड करते हैं सीबीएसई पर। अगर सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए तो सब जमा कर हो जाएंगे। कल आपके भाऊ भी गिरफ्तार हुए, हालांकि वो छूट गए, सब कुछ पॉजिटिव है और वो आगे, क्योंकि उनकी पहुँच बहुत है। लेकिन ये चीज़ें घट नहीं रही हैं। आज आपके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी मैं लेकर आया हूँ। हमारे जो अलग अलग चैनल्स हैं, जैसे कि इंडिया टुडे है, इंडिया टीवी, इन्होंने सीबीएसई के एक्सपर्ट से बातचीत की। जी हाँ, और मैं आपको बता दूँ, अगर सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं तो पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं सब जगह पर एग्ज़ाम कैंसिल होंगे। जैसे कि आपने देखा, सबसे पहले सीबीएसई ने पोस्टपोन किए, फिर रेगुलर सब ने जाके पोस्टपोन कर दिए। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने क्या कहा, मैं पूरी न्यूज़ का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप जाके न्यूज़ भी पढ़ लीजिए। क्योंकि कुछ बच्चे कह देते हैं कि यार ये तो फेक न्यूज़ देते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि जिन पे वो बिलीव करते हैं सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ वही देते हैं। मैं कभी भी न्यूज़ देता हूँ तो उसका लिंक डालता हूँ, दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर सीबीएसई के जो एक्सपर्ट्स लोगों से बातचीत की है, उनका कहना सिंपल सा है कि एग्ज़ाम्स प्रिपरेशंस कराने में, कम से कम एग्ज़ाम पेपर बनाने में और सब चीज़ों में एक महीना कम से कम लगता है। यहाँ पर अगर जुलाई में एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे तो उसके बाद एग्ज़ाम लेना नहीं बनता, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर ज़रूरत है कि एडिशंस भी बच्चों को कराने हैं। अगर जुलाई में एडिशन ले एग्ज़ाम लेंगे तो जुलाई के लास्ट में एग्ज़ाम लेंगे तो कब उनकी कॉपी चेक होगी, कब उनका रिजल्ट आएगा और कब उनका नया एडिशन होगा, ये प्रोसीजर पहले भी मैंने आपको बताया था कि सर नहीं हो सकता। सीबीएसई बोर्ड से जुड़े अधिकारियों ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा, अगर जुलाई में परीक्षा नहीं हो पाई तो फिर आगे परीक्षा नहीं ले सकते, क्योंकि टाइम हमारे पास आगे इतना नहीं होगा। कई विशेषज्ञों का मानना तो यह है कि सरकार को बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि छात्रों का मूल्यांकन करने में जो दूसरा तरीका वो निकालना चाहिए, जो कि 10th में था। और यही हमारी डिमांड है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लगातार ट्वीट करते रहिए, आपको सबको साथ देना है, विन होके रहेंगे हम, क्योंकि बाहर निकलकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जहां पर आप, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आराम से प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो ज़रूर से करिए यार, एक बार फिर ट्रेंडिंग से ला के दिखाओ। वे 17 से 18 साल के बच्चे हैं जो अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, और इन हालातों में बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, बड़े बुजुर्गों को खोया है। ऐसी हालात में सरकार को परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए, जैसे 10th क्लास की रद्द की गई थी। गौरतलब है कि इस मामले में शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम 1 जून को फैसला लेंगे। पहले बोर्ड परीक्षाएं टाली गई थी, अब 1 जून को क्या फैसला आ सकता है, तो एक्सपर्ट लोग कहना है कि 1 जून को भी ये लोग जुलाई में टाल देंगे। जी हाँ, अब जुलाई में टाल देंगे, और फिर जुलाई में सर्कमस्टांस नहीं बने तो तब जाके आपका एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल किया जाएगा। तो क्या जब तक हम ऐसी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, हमारा पूरा मई ऐसे चला जाएगा, जून चला जाएगा, जुलाई में जाके कैंसिल करेंगे? तो यहाँ पर सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग भी यही ट्वीट में करिए मैक्सिमम, कि अगर कैंसिल करना है तो अभी करें, जुलाई में जाकर कैंसिल करने का कोई मतलब नहीं है। आज हर कॉलेज के प्रिंसिपल्स ये बात कह रहे हैं कि एग्ज़ाम लेना संभव नहीं है, जुलाई के बाद संभव नहीं है। और आज सीबीएसई के जो एक्सपर्ट्स हैं या बहुत सारे बोर्ड्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात कह रहे हैं, और यूपी बोर्ड के, तो हालांकि आप सभी जानते हैं यूपी में तो बच्चों के एग्ज़ाम्स इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जो टीम है पूरी 18 से 19 लोगों की जो पूरे यूपी को देखती है एग्ज़ाम्स को, उनमें से 11 लोग कोरोना पॉजिटिव थे अभी पीछे न्यूज़ में आया था। तो वहाँ पर एग्ज़ाम्स कैसे हो सकते हैं, हर जगह की यही कंडीशन है, चाहे आप गुजरात की ले लो, महाराष्ट्र की ले लो, एक्सपर्ट्स लोग, टीचर्स लोग, बहुत सारे लोग वो जो कोरोना पॉजिटिव है, तो एग्ज़ाम लेना इसलिए भी नहीं बनता। और दूसरा, कोरोना हर जगह पर है, एग्ज़ाम लेना इसलिए भी नहीं बनता। तो बच्चों, इस साल पिछले साल से भी क्रिटिकल कंडीशन है, एग्ज़ाम कैंसिल होंगे और हम ये बात कह रहे हैं, और ये गारंटी सरकार को देनी पड़ेगी अगर बच्चा कोई पॉजिटिव होता है तो। फटाफट से ट्वीट करते रहिए, आई बिलीव कि जो रास्ता है वो निकल गया है ऑलमोस्ट। बस ये समझिए कि आपका बस डिसीजन आना बाकी है, और एग्ज़ाम मस्ट बी कैंसिल, क्योंकि अब और नहीं है, बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत चीज़ें आगे आ चुकी हैं। दिस इज़ अ टाइम द गवर्नमेंट हैव टू बी फेस द प्रॉब्लम्स, और कहना चाहिए कि यस, एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। तो फटाफट से आप सब लोग शेयर करिए वीडियो को, और मैक्सिमम ट्वीट करिए आज, ताकि एक ही बात यहाँ पर रखी जाए। और भाऊ जैसे लोग हमारे बहुत साथ हैं, जो हमारे लिए प्रोटेस्ट करेंगे, जो हमारे लिए गवर्नमेंट को पॉइंट आउट करेंगे। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस स्ट्रेस फ्री रहिए, सपोर्ट करते इस तरह। और जो आप ट्वीट कर रहे हो उसमें हैशटैग कैंसिल 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स 2021 का यूज़ करें, और कोई हैशटैग यूज़ मत करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और एक 30 सेकेंड की अपनी वीडियो क्लिप या 1 मिनट की वीडियो क्लिप, घबराओ मत, आपसे आज कुछ नहीं होने का, हमारा फेस नहीं आ रहा है, हम भी तो बेझिझक वीडियोस बना रहे हैं। 1 मिनट की वीडियो क्लिप
भी अपने ट्वीट में डालिए और मुझे भी टैग करिए SBJ क्लासेस, मेरा ट्विटर है।